हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि आज हम औजा कंपनी का 10,000 एम्पलीफायर को रिपेयर करेंगे। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि एक चैनल हमारा ओवरलोड है, तो ओवरलोड प्रॉब्लम को हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, यही आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो आप किसी भी एम्पलीफायर को अगर ओवरलोड आता है तो उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, ये आप लोग सीख पाओगे। तो दोस्तों मैं चलो इसको दिखलाता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल ही आप लोगों को 100% आप लोगों को समझ आएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सभी चीज़ बताता हूँ। ये दोस्तों डबल जोन एम्पलीफायर है, इसका जो ट्रांजिस्टर सेक्शन है ये इस जोन का इस तरफ है और इस जोन का इस तरफ है। ये जोन ए है और ये जोन बी है। तो प्रॉब्लम हमारा बी जोन में है, ए जोन हमारा बिल्कुल ही चालू है। तो दोस्तों इसमें फीडबैक डबल रहता है। फीडबैक जैसे कि फीडबैक मतलब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ फीडबैक होता क्या है। जैसे कि ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है, तो इसमें दो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो दो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर को चलाने का काम करता है। दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये। तो ये दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर क्या है, इस पर दो फीडबैक हो गया है। तो ये एक फीडबैक हो गया जो 6 ट्रांजिस्टर को चलाता है, और दूसरा फीडबैक ये है जो कि ये इस तरफ ये 6 ट्रांजिस्टर को चलाता है। तो अब ये हमारा क्या है, इसका ड्राइवर बोर्ड भी शॉर्ट था, तो मैं इसका दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर चेंज कर चुका हूँ, और ये डायोड और एक रेजिस्टेंस भी इसमें ख़राब निकला था। तो लेकिन अभी भी क्या है दोस्तों, अगर मैं इसको ऑन करूँगा और ओवरलोड स्विच को प्रेस करूँगा तो फिर भी ये तुरंत ही ओवरलोड में चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो भी शॉर्ट है। तो हम इतने सारा ट्रांजिस्टर लगा है, तो हम इसको कैसा पता करेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। अगर हम एक एक को अगर चेक करने बैठ जाएंगे तो हमारा कई घंटों या फिर बहुत ही ज़्यादा समय व्यस्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि किस तरह हम बारी बारी से और स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर या फिर कौन सा सेक्शन हमारा ख़राब है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको पहले पावर सप्लाई में पावर देता हूँ। तो मैं इसको सीरीज सप्लाई में देता हूँ, तो यहाँ मैं सीरीज सप्लाई लगा दिया हूँ। अब ये देख सकते हो, ये अगर हम पावर ऑन करेंगे तो यहाँ से पावर ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा पावर ऑन हो गया है, और एक चैनल क्या है हमारा ओवरलोड दिखला रहा है, चैनल बी, और ओवरलोड स्विच का जो स्विच है वो भी बाहर है, और चैनल ए बिल्कुल ही ओके है। अगर मैं प्रेस करता हूँ ओवरलोड स्विच को तो यह हमारा सीरीज बल्ब क्या है, फुल ग्लो हो रहा है, और ये जो सेट क्या है ऑफ हो रहा है। ये देख सकते हो जो सीरीज बल्ब लगा है वो पूरा ऑन हो गया है, और जो हमारा सेट है वो भी बंद हो गया है। तो अब हम कैसे इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको जो पावर सप्लाई है उसको निकालना है। और पावर सप्लाई निकालने के बाद कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका ब्रिज एक्टिफायर सीधे से सीधे चेक कर लेते हैं, लेकिन हमें ब्रिज एक्टिफायर चेक नहीं करना है, हमें सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेक करना है। तो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए अगर आपके पास कंटिन्यू मीटर है तो आप इस तरह, अगर मीटर है तो कंटिन्यू के रेंज पर सेट कर लीजिए, अगर कांटा वाला मीटर है तो उसको भी आप क्वांटिटी वाला रेंज पर सेट कर लीजिए। तो मैंने अभी फिलहाल इसको कंटिन्यू पे सेट कर लिया है। अब चलो मैं आगे आप लोगों को चेक करता हूँ कि किस तरह हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस फीडबैक सेक्शन को चेक करूँगा, जैसे कि यहाँ पे दो फीडबैक है, तो मैं पहले इस ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लिया है मीटर को, अब फिर देखते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है फुल्ली शॉर्ट दिखला रहा है, ये देख सकते हो, और इसको भी देख लेते हैं तो ये भी शॉर्ट दिखला रहा है। और आगे इस जो सेक्शन है इसको देख लेते हैं, ये पहला फीडबैक हो गया हमारा। अब दूसरा फीडबैक में देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो दूसरा फीडबैक का ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है, और जो हमारा इस तरफ ये वाला ट्रांजिस्टर को भी चेक करते हैं तो ये भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तब हमको क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना सारा सभी पॉइंट सार दिखला रहा है। तो हम कैसे इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा पहला फीडबैक है, तो हम पहले इसका जो बेस का वायर है इसको बाहर निकालते हैं। तो हम इधर इसको बेस का एक वायर निकाल लेते हैं यहाँ से, ये देख सकते हो मैंने बेस का एक वायर निकाल लिया है, और ये कलेक्टर है जो कि ये सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई का है। तो मैं इसका कलेक्टर का भी एक वायर निकाल लेता हूँ, सोल्डिंग है इसमें बहुत ही मजबूती के साथ रहता है इसका। तो ये देख सकते हो मैंने कलेक्टर और बेस का वायर निकाल दिया है, अब इमिटर का वायर है उसको लगे रहने दो। तो अब हम फिर इसको चेक करते हैं यहाँ से कि शॉर्टिंग है कि नहीं इस सेक्शन में।
ये शॉर्टिंग दिखला रहा है, इधर भी चेक कर लेता हूँ, तो इधर भी शॉर्ट दिखला रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे तीन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तीन रेजिस्टेंस के साथ, ये देख सकते हो, ये तीन ट्रांजिस्टर में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है या फिर तीनों ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकता है। इसका मतलब यह है कि इसमें इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, यह ट्रांजिस्टर में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम आगे इसको फिर चेक करेंगे। तो ये पहला फीडबैक हो गया, अब दूसरा फीडबैक को देखते हैं इस तरफ, तो इसमें शॉर्ट दिखला रहा है कि नहीं उसको देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो ये मल्टीमीटर को देखिए आप लोग, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मैं देखता हूँ, तो कंटिन्यूटी पे है हमारा मीटर। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, और इस पर देखते हैं, इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, और इस तरफ जो दूसरा सेक्शन का है इसको भी चेक कर लेते हैं, तो इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग रहता तो हमारा कंटिन्यू मीटर में आवाज़ आता। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हम इसका शॉर्टिंग जो है वो निकाल चुके हैं, और एक छोटा सा दो वायर बस ओपन करने के बाद हमारा शॉर्टिंग पता चल गया है। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि कौन समय है प्रॉब्लम। तो अब मैं इसको सीरीज सप्लाई पावर ऑन करके देखता हूं कि हमारा जो सेट है वो ओवरलोड था, वो ओवरलोड से बाहर गया कि नहीं। तो पहले मैं इसको सीरीज सप्लाई दे देता हूं, पहले यहां से मैं पावर ऑफ कर लेता हूं। तो पावर ऑफ हो गया है, अब चलो हम सीरीज सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से पावर ऑन कर चुका हूँ मैं, अब ये देख सकते हो ये जो हमारा सेट है वो बिल्कुल ही चालू कंडीशन में आ गया है, लेकिन हमें इसका ट्रांजिस्टर जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, और जो हमारा सेट है वो बिल्कुल ही ओके हो जाएगा फिर। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के संबंधित वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।